इस जीमेल कोर्स के वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप अलग अलग जीमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट वीडियो है, टाइम सेविंग हैक है ये, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और जीमेल को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएं। तो चलिए सीखते हैं। और जीमेल के साथ साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के 50 से ज़्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी फ्री, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 1400 से ज़्यादा कंटेंट है विद लेटेस्ट वीडियोस, 50 से ज़्यादा कोर्सेज हैं और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो दोस्तों तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कराए, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundals.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे एक टेम्पलेट लगा सकते हैं। जैसे कि आपको एक ईमेल कई बार कई लोगों को भेजनी होती है, लेकिन आप बार बार ईमेल को लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है दोस्तों, और टाइम का लॉस सबसे बड़ा लॉस है। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एक टेम्पलेट बना सकते हैं अपने ईमेल्स में, जिसे आप हर जगह हर बार बार भेज सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक मतलब डमी आईडी से अपने आप को मेल करा है कि अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, और इसमें लिख रखा है हाउ टू एनरोल इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मतलब कि आप जानते हैं जैसे कि हमारी एक मार्केटिंग एजेंसी है और हम कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग को सिखाते भी हैं, तो कई लोगों की ऐसी क्वेरीज आती रहती हैं कि हम कैसे आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में एनरोल करें। तो अब मुझे अगर इसका रिप्लाई देना है, इस मैसेज का ऐसा अगर हमारे पास आता है, तो मैं इस पे रिप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इस पे वो जो मेरे को जो भी ईमेल लिखनी हो या रिप्लाई जो भी लिखना हो मैं लिखूंगा। तो देखिये दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करा है, लेकिन बेसिकली इसमें टाइम लगता है, अगर आप लिखने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूँ कि आपको कॉपी पेस्ट या फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो ईमेल का टेम्पलेट है वो बने रहेंगे। इसलिए मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप ऊपर सेटिंग बटन देख सकते हैं, सेटिंग बटन में एक्सेस करिए, ये कहीं से भी कर सकते हैं आप, ईमेल के अंदर से या बाहर से। या फिर देखिए जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सी ऑल सेटिंग नीचे ही आपको दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों सेटिंग का आपके पास सामने पैनल खुल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी में एडवांस ऑप्शन है, एडवांस बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर से सेकंड रो है टेम्पलेट्स, इसको आपको इनेबल करना होगा। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक करिए, ना भूलें। अगर आप ये क्लिक नहीं करते हैं तो ये चेंजेस मतलब सेव नहीं होंगे और आपके मतलब टेम्पलेट के लिए एनेबल नहीं हो पाएंगे। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब चलिए मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप कैसे मतलब उस टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे मुझे रिप्लाई करना था, तो मैंने रिप्लाई बटन पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने उस मैसेज को लिखा जो मुझे लिखना था। लिखने के बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे सबसे ऊपर पहला ही ऑप्शन टेम्पलेट्स का आपको दिख जाएगा, तो मैं इसे सेव मतलब सेव ड्राफ्ट टेम्पलेट या फिर आप मैं इसे सेव ड्राफ्ट एज अ टेम्पलेट पे क्लिक करके सेव कर सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है कि सेव एज ए न्यू टेम्पलेट, मतलब मैं न्यू टेम्पलेट सेव करना चाहता हूँ, तो जी हाँ मैं न्यू। अब इसमें टॉपिक का नाम क्या लिखें, तो मैं इसमें लिखता हूं कि अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई सा भी टॉपिक का नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। दोस्तों मैं इसे सेव कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसे सेव करा, मैं इसे अभी एक बार डिलीट मार के आपको दोबारा दिखाता हूं कि आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करके कैसे
चुटकियों में मेल भेज सकते हैं। तो रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोर ऑप्शन, टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे और टेम्पलेट में जितने आप टेम्पलेट मतलब इसमें सेव करते जाएंगे वहां पर लिस्ट आपके सामने क्रिएट होती जाएगी। तो मैंने लिस्ट बना रखी है, देख सकती है दोस्तों। अब मुझे कहीं पे भी कॉपी पेस्ट या करने की जरूरत नहीं है, मैं हर बार सीधे ये थ्री डॉट आप देख रहे होंगे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद टेम्पलेट्स में जाने के बाद और जो भी आप टेम्पलेट जितनी भी आपने टेम्पलेट्स बनाई हैं उन टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करिए, वो ईमेल और वो जो आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पर सेंड बटन पर क्लिक कर दूँगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है टेम्पलेट क्रिएशन करना, टेम्पलेट बनाना। लोग मैंने लोगों को देखा है कि बहुत उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है ईमेल्स का रिप्लाई देने में, जबकि कुछ ईमेल्स फ्रीक्वेंट होती हैं, जैसे कि आपका कोई बिजनेस होगा जिसमें लोग क्वेरीज डालते होंगे कि आप कितने प्राइस के बारे में डिस्कस करते होंगे या फिर लोकेशन के बारे में डिस्कस करते होंगे, इन सब चीजों का आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे ही आप टेम्पलेट बना देंगे तो ये बेसिकली आपको पता होता है कि आपकी ये आपको पता होता है कि आपके पास कैसी क्वेरीज आती हैं, तो उस क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट्स बनानी होगी और रख देनी होगी, क्योंकि आप बार बार आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता है कि आप हर चीज का एक एक उसका लिख के पूरा वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट कर दें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी कोई क्यूरीज है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोज या कोर्सेज फ्यूचर में लाएंगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप मुझसे डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी क्रिएट करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स के संग कनेक्ट हो सकते हो और वहां पर आप रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो और अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।